नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सभी बड़े मज़े से होंगे। आज ये मेरा इस चैनल पे फर्स्ट व्लॉग काइंड वीडियो है, तो आज मैं कराने जा रहा हूँ मेरी कार की इंश्योरेंस रिन्यू। तो इसके बारे में देखते हैं क्या मार्केट में ऑप्शन अवेलेबल हैं, कहाँ से हमें इंश्योरेंस कराना चाहिए, क्या हमें एजेंसी के बाहर से इंश्योरेंस कराना चाहिए, बात करेंगे इसी बारे में। तो चलिए पहले थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं मार्केट को कि क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं मार्केट में कार इंश्योरेंस रिन्यू कराने के लिए। वैसे तो ऑनलाइन काफ़ी सारे जो हैं हमें लुभावने ऑफ़र मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी जो है मैं प्रेफर करता हूँ मार्केट से इंश्योरेंस कराना। तो चलिए एक बार देखते हैं, कुछ जान पहचान वाले हैं हमारे, वहाँ पर बात करते हैं क्या क्या वो कोटेशन देते हैं इंश्योरेंस की। तो चलिए शुरू करते हैं। कराने गए थे इंश्योरेंस हमारी कार का, तो मैंने इंश्योरेंस रिन्यू करवा लिया है मेरी कार का। तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, क्या आप अपने इंश्योरेंस के नॉमिनी चेंज कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपने इंश्योरेंस का नॉमिनी चेंज कर सकते हैं, क्या प्रोसीजर होता है। यदि एजेंसी से आप इंश्योरेंस कराते हैं रिन्यू, तो उसके अंदर आपको क्या बेनिफिट होता है, और यदि आप बाहर से कराते हैं तो क्या बेनिफिट होता है, दोनों में कितना सा जो है प्राइस डिफरेंस होता है, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात, यदि मेरी जो कार का इंश्योरेंस है वो जीरो डैम था, तो मेरे को जीरो डैम में ही रिन्यू कराना था। 5 साल तक जो है आप अपनी कार का जीरो डैम इंश्योरेंस करा सकते हैं, 0 to 5 ईयर तक। तो मैंने जीरो डैम इंश्योरेंस ही रिन्यू कराया। तो इसके अंदर थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, यदि आप जीरो डैम नहीं लेते हैं, जीरो डैम पॉलिसी नहीं लेते हैं, तो आपका 2-3 हज़ार रुपये कम हो सकता है इंश्योरेंस, 2-3 हज़ार रुपये कम हो जाए। लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा, यदि आपकी कार जो है जीरो डैम के अंदर आ रही है, 5 साल से कम पुरानी है, तो आप जीरो डैम ही लीजिए। यदि आपको एक भी इंश्योरेंस क्लेम लेना पड़ जाता है, तो आपको जीरो डैम की जो है वो इम्पोर्टेंस आपको पता चल जाती है। अब मेरे पास ऑप्शन था कि मैं यदि एजेंसी से बाहर कराता हूँ, तो मैंने एजेंसी से बाहर कराने के लिए पता किया। तो उसके अंदर मेरे को मेरी कार के इंश्योरेंस वैल्यू बताएगी 3.5 लाख रुपए के आसपास, लमसम अमाउंट मेरे को बताया गया था, कोई एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बताया गया था। और उसकी यदि मैं जीरो डैम पॉलिसी लेता हूँ, तो मेरे को बताया गया था कि प्राइस जो है वो तकरीबन 12,500 से 13,000 रुपये के आसपास जो है प्राइस वो पड़ेगी मेरे को इंश्योरेंस की। फिर बाद में मैं जो है मारुति के शोरूम पे गया, ओडी मोटर्स पे, वहाँ पे पता किया, तो वहाँ पे मेरे को जो है जीरो डैम पॉलिसी सेम जो है यूनिवर्सल की जो है मेरे को रिन्यू हुई, वो हुई 12,911 रुपए के अंदर रिन्यू हुई। तो प्राइस के अंदर कुछ ज़्यादा सा डिफरेंस मेरे को नहीं लगा, इक्वल सी ही प्राइस है। अब मैं आपको बताता हूँ कि एजेंसी से कराने में या फिर मारुति से इंश्योरेंस कराने में क्या बेनिफिट हमें बेसिकली मिल पाता है, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो हमें ये मिल जाता है कि हमें जो है इंश्योरेंस क्लेम वगैरह करने के लिए जो है इधर उधर भागना नहीं पड़ता। मारुति की लाइबिलिटीज हो जाती है, वो आपका इंश्योरेंस क्लेम करेंगे, वो सर्वेयर आएगा आपका, यदि को भगवान ना करे क्लेम उठाना पड़े, यदि फिर भी आपको उठाना पड़ जाता है, तो आपको जो है वो सारी लाइबिलिटी जो है वो मारुति की खुद की हो जाती है। दूसरी बात, आपको जो है 1 साल के अंदर जो है फर्स्ट 2 क्लेम जो है वो कैशलेस आपको मिल जाते हैं, यानी मारुति के आउटलेट्स पे यदि आपको अपनी गाड़ी का आप क्लेम करते हैं, कुछ काम आपको कराना पड़ता है, कुछ एक्सीडेंटल हो जाता है, तो आपको जो है कैशलेस होगा, आपको कोई भी अमाउंट पे नहीं करना होगा मारुति को फाइल चार्ज के अलावा। तो ये आपको एक बेनिफिट मिल जाता है, जिसके अंदर मेरे को नहीं लगा प्राइस डिफरेंस कुछ खास था, और ये थोड़ा सा बेनिफिट मेरे को लगा, इसलिए मैंने मारुति से कराया। तो मैं आपको यही प्रेफर करूँगा कि आप जो भी आप गाड़ी लें, तो उसकी जो शोरूम है वहीं से आप जो है उसका इंश्योरेंस रिन्यू कराएं, जब भी आपको इंश्योरेंस रिन्यू कराना हो। हाँ, और इंश्योरेंस रिन्यू कराते टाइम इस बात का जरूर ध्यान रखें, यदि आपको लगता है तो आप जीरो डैम जरूर लीजिएगा। हाँ, यदि आप बाहर से इंश्योरेंस कराते हैं, तो हो सकता है आपको 100, 200, 500 रुपये सस्ता मिल जाए, इससे ज़्यादा जो है डिफरेंस आपको नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको जो एक बार चेक कर लेना चाहिए। लेकिन यदि आप बाहर से कराते हैं, तो आपको जो है कैशलेस जो क्लेम है वो आपको नहीं मिल पाता, ये थोड़ा सा आपको नुकसान इसके अंदर हो जाता है। तो ये था, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। एक बात मैं आपको और कंफर्म करा देना चाहता हूँ, यदि आप कभी भी आपको अपनी कार का इंश्योरेंस रिन्यू कराना है, आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो कोशिश कीजिए कि आप जो है ऑनलाइन रिन्यू कर सकें, किसी
ट्रस्टेड पोर्टल से यदि आप ऑनलाइन रिन्यू नहीं कर सकते तो आप किसी जानकार से या किसी विश्वसनीय आदमी से या फिर किसी अच्छी ब्रांड से जो है आप शोरूम से इंश्योरेंस रिन्यू कराइए। किसी भी ऐसे ऐरे गरे से इंश्योरेंस रिन्यू ना करा लीजिए, क्योंकि इसके बारे में काफ़ी फर्जीवाड़े चल रहे हैं। काफ़ी फर्जी कंपनियाँ आपको जो है एक लेटर के ऊपर जो है पॉलिसी टाइप कुछ प्रिंट करके दे देंगे। जब आपको भगवान न करे खुदा न खास्ता आपको जब क्लेम उठाना पड़ेगा तब आपको पता चलेगा कि ना ही तो वो कंपनी है और ना ही जो पॉलिसी नंबर है वो भी एक्यूरेट नहीं है, तो मतलब कि आपका इंश्योरेंस हुआ ही नहीं, आपको सिर्फ एक ऐसे ही कागज़ प्रिंट करके दे दिया। तो इस तरीके के भी कुछ केस जो है वो सामने आए, तो इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखें। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। यहाँ पर आपको टेक्नोलॉजी से जुड़ी हर वीडियो और कुछ व्लॉग कुछ इंटरेस्टिंग आपको डेली आपको देखने को मिलेगा। यदि आपको वीडियो बिल्कुल थोड़ा सा भी अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिए गए रेड बटन को प्रेस करके, और पास में आने वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और आने टेक्नोलॉजी से जुड़े नए वीडियोस के लिए आप इस चैनल को जो सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे मेरे को पता है, और वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। इतना ही इस वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।